यहां पर अनंत अनंत जीव रहते हैं और मेरे जीव का उन जीवों के साथ में न जाने कैसा कहां क्या क्या संबंध रहा है। मैं उन समस्त जीवों से आज क्षमा याचना करता हूं। मैंने किसी जीव को दुखी किया हो, सताया हो, पीड़ा पहुंचाई हो, उनके कार्य में बाधा डाली हो, मेरे से कोई भी हैरान हुआ हो, मैं उन सब जीवों से क्षमा याचना करता हूं। आप भी एक बार हाथ जोड़ करके, मैं उन सब जीवों से क्षमा याचना करता हूं। भगवान ने यह क्षमा याचना कर फिर तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता, वे अपने गुरु स्वयं होते हैं, उन्हें किसी से दीक्षा नहीं लेनी पड़ती, वे तो स्वयं अपने आप में ज्ञानी होते हैं। तब उन्होंने स्वयं में करे भी मैं ग्रहण करता हूं सामायिक सामायिक व्रत को, वहां ऐसा नहीं था कि हे भगवान मैं सामायिक व्रत को ग्रहण करता हूं, ऐसा नहीं होता, वो तो स्वयं अपने आप में पूर्ण होते हैं, अतः ऐसा कुछ वो नहीं कहते। और फिर उस सामायिक व्रत को आज जीवन के लिए स्वीकार कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, स्वीकार कर लिया। बंधु वो हजारों लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग, और वे अपलक नेत्रों से देख रहे थे अब क्या होगा। और जब उन्होंने देखा ऋषभ ने, हमारे स्वामी ने ऐसा कर लिया, वो नत होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और फिर प्रभु ने उपस्थित जनों की ओर पीठ की और फिर वन की राह जंगल की राह खो लेते हैं, चले जाते हैं। सब देखते रह गए, देवों ने, इंद्रों ने, महेश्वरों ने, सभी ने जयकार की, भगवान ऋषभ देव के, भगवान ऋषभ देव के, भगवान ऋषभ देव की। उन्हें क्या मतलब, कौन जयकार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्होंने नहीं मुड़ कर देखा। ये तो बस जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं, और प्रजाजन सब अपनी इस नगरी की ओर जहाँ से वो आए थे बंधुओ, उस विनीता नगरी की ओर सब बढ़ जाते हैं। प्रभु अपने अंतर में हैं, वे आगे वन में चले जाते हैं। और यूं आगे जाकर उन्होंने फिर क्या साधना की, क्या साधना प्रारंभ की, किस तरह से क्या किया, ये चर्चाएं आगे की चर्चाएं हैं। आज की चर्चा बंधुओ भगवान की दीक्षा की चर्चा है, जो आपने सुनी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ, भाइयों और बहनों ने सुनी, सबके लिए मंगल कामनाएं, धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद। और एक आशीर्वाद यह है कि आज आप सभी नहीं भगवान की दीक्षा के इस प्रसंग को सुना भी और इसके साथ में प्रभु को वंदन और नमन भी किया है। बंधुओं, प्रभु का ये त्याग महान त्याग था जो उन्होंने इस तरह से किया है। भगवान अपने पथ पर बढ़ चले हैं, आगे जा रहे हैं, आगे उनकी साधना का क्या रूप होगा यह आप आगे सुनेंगे। छह मास तप का संकल्प किया, कितना भाइयों, छह मास तप का संकल्प किया। मैं छह मास तक उपवासी रहूंगा, मैं अपनी साधना करूंगा। और वे अपनी साधना के अंदर निमग्न हो जाते हैं, वन में रहे, अपनी साधना में रहे, उसके अंदर खोए रहे, इस तरह से रहे। और फिर छह मास पूरे हो जाते हैं। छह मास पूर्ण हो जाने के बाद अब पारने की बात आती है।
भगवान का पार ना किस तरह और क्यों कर हुआ, ये भी सब बड़ा अद्भुत है। भगवान ने संकल्प किया 6 महीने का। इसके बाद वे भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए प्रस्थान करते हैं। सारे गांव और नगरों में एक ही चर्चा थी। ऋषभ चले गए, कहां गए कुछ पता नहीं, कहां चले गए, क्या हुआ कुछ मालूम ही नहीं उनका। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। 6 महीने के बाद लोगों ने ऋषभ को आते हुए देखा, अरे हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे राजा, ये लौट रहे आ रहे हैं। सबको अत्यंत हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। अब ये लौट आए, इन्हें जो कुछ करना था वो हो गया होगा, अब तो ये लौट आए हैं, इनकी साधना पूरी हो गई होगी। लोग ऐसा सोचते हैं। भगवान आए, भिक्षा के लिए, आहार के लिए जाते हैं, जाते हैं, परंतु मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। लोग हैं भगवान को आहार देने के लिए, जो उनकी समझ थे उसके अनुसार तरह तरह के उपक्रम करते हैं। इनको खाना दिया जाए, वो आते हैं, जहां से भी गुजरते हैं गृहजन प्रार्थना करते हैं, महाराज भोजन ले लो, भोजन तैयार है ले लो। अपने पात्रों में भोजन लेकर के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते, प्रार्थना करते, महाराज भोजन लो, और फिर एक चक्र लगा करके चले जाते। इस तरह से समय व्यतीत होता गया, उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 13वां महीना आ लगा प्रभु का, और अभी भी ये कुछ नहीं ले रहे। लोग तरह तरह की भावनाएं करते हैं, तरह तरह से प्रभु को मनाने का प्रयास करते हैं, भगवान कुछ ले लें, प्रभु ने कुछ नहीं लिया। इस सब में कुछ घटनाएं घटी। घटनाएं क्या घटी? यह जो नगर है जहां प्रभु आहार के लिए आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, इसका नाम गजपुर था। क्या नाम था? गजपुर। गजपुर और हस्तनापुर ये दोनों एक ही होते हैं। गज माने हाथी, और हस्तन हस्ती, हस्तिनो हस्तिन, उसका अर्थ भी हाथी होता है। यहां के लोग प्रभु से प्रार्थनाएं करते, भगवान नहीं देते कुछ। गजपुर का परिक्रमा करके भगवान चले जाते हैं। और बंधु, वो यह जो गजपुर है, यह है जिस समय भगवान ने दीक्षा ली थी और अपने राज्य का विभाजन किया था, उस समय यह जो नगर था, यह बाहुबली के पुत्र, इनका नाम सोम था, उसके पुत्र श्रेयांश, ये इनके हिस्से में था। श्रेयांश बड़ा अद्भुत युवक था, बहुत ही लोकप्रिय था नगर के अंदर, उसकी बहुत ही लोकप्रिय था। जहां कहीं किसी को मिल जाता, सब लोग उसके आगे नत होते हैं और कहते, अरे श्रेयांश, इसकी तो बात ही क्या है। लोग प्रशंसाएं करते थे, बार बार प्रशंसा करते थे। जब भगवान यहां पर 6 महीने और व्यतीत हो जाते हैं, 13वां महीना चल रहा था, उस समय कुछ घटना घटित हुई। घटना क्या घटित हुई? श्रेयांश कुमार ने एक रात एक विचित्र स्वप्न देखा, और विचित्र स्वप्न क्या देखा उन्होंने, कि जैसे उनका जो ये नगर है,
जहाँ पर प्रभु आते हैं, यहाँ पर इस नगर के अंदर प्रभु का आगमन यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, अद्भुत बात है। ऐसा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता। बंधुओं, इन्होंने एक दिन एक सपने देखा, और सपने क्या देखा, जैसे सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा और इतना विशाल, वह काला पड़ गया धूप से। स्वप्न में श्रेयांश कहते, ये क्या हुआ, इस पर्वत को ऐसा क्यों हुआ। उस समय स्वप्न में ही जैसे दूध लिया और सुमेरु पर्वत को धो दिया, उसके सारी कालिमा हट गई। मन में वो बहुत प्रसन्न हुआ, कितना अच्छा हो गया, कितना सुंदर हो गया। और बंधुओ, उस नगर के अंदर सुबुद्धि नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। उसने एक सपने देखा, और क्या सपने देखा उसने, जैसे ऐसा विचित्र सा सपने देखा है। उसने सूर्य की किरणें बड़ी तीव्रता से आ रही हैं, लेकिन वो किरणें मंद पड़ गई, सूर्य भी मंद पड़ गया। वह सुबुद्धि सृष्टि कहता है, ये पहली बार हुआ, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, सूर्य की किरणें मंद पड़ जाएं, ये क्यों मंद पड़ गई। फिर से देखा, कहीं से श्रेयांश आया, और उसने उन किरणों को जो टूटे जा रही थी सूर्य से जुड़, और तीसरा सपने महाराज सोमदेव को आया। उन्होंने अपने स्वप्न में क्या देखा, क्या विचित्र बात देखी। उन्होंने देखा जैसे कि और दो सपने इस प्रकार के थे, जहां पर इतने विचित्र बात थी। उन्होंने देखा कुछ दुष्ट आदमी आए, और उन्होंने ऋषभदेव को घेर लिया, और उसके ऊपर प्रहार करने शुरू कर दिए। श्रेयांश वहां गया, स्वप्न में उस के द्वारा देखा जाता है, उसने युद्ध किया, सबको भगा दिया। ये तीन स्वप्न तीन व्यक्तियों के द्वारा देखे गए। तब इसके बाद इनके फल की चर्चा हुई, तो सब विद्वानों ने कहा, तुम एक ऐसा काम करोगे जो सृष्टि के अंदर हमेशा याद किया जाता रहे। आज जो यह अक्षय तृतीया का दिन है, इस दिन भगवान विहार करते हुए इस नगर में पधारते हैं, और जो उन्होंने स्वप्न देखे थे वो किस तरह से घटित होते हैं, क्यों कर घटित होते हैं। सबसे पहले तो स्वप्न देखा था खुद श्रेयांश ने, जिसमें उन्होंने देखा था कि सुमेरु काला पड़ गया, उसके द्वारा कोई ऐसा काम हो जिससे कि वो उज्जवल हो जाए। सेठ के सपने की बात वो भी यह बता रही थी कि कुछ ऐसा शुभ काम, उत्तम काम हो जिससे सूर्य की किरणें पुनः दोबारा से जुड़ जाएं, और फिर उसी तरह सूर्य जगमगा उठे। और तीसरी बात यह है जो उन्होंने देखी थी कि भगवान ऋषभदेव जो कि इस नगर के अंदर पधारे थे, वहाँ पर उन्होंने देखा था कि शत्रुओं ने ऋषभदेव को घेर लिया, और वो आया और उसने युद्ध किया, और युद्ध करके सारे शत्रुओं को भगा दिया। आज ऐसा ही घटित होने जा रहा है। भगवान पधारे हैं, भगवान को देख करके श्रेयांश अद्भुत खुशी से भर गया। भगवान आए, कितनी खुशी की बात है, वो नमन करता है, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है, भंते आ मेरे महल में पधारो, और कुछ हमारे महल से ग्रहण कर लो। उसी दिन कृषक लोग
किसान गन्ने की खेती तैयार हो जाने पर उसका जो रस था वह अपने राजा को भेंट करने के लिए वहां पर आए थे। बहुत सारे घड़े गन्ने के रस से भरे हुए वहां रखे थे और उसने प्रार्थना की, भगवान ये रस ग्रहण कर लो। भगवान तटस्थ और मौन रहते। दूसरी बात जिसके अंदर देखा गया था, सूर्य की किरणें और बंधु वो उन सूर्य किरणों का भी फल यही था कि इतने दिनों से प्रभु ने कुछ ग्रहण नहीं किया था, वह प्रभु ने ग्रहण करके वो सब दूर हो गई थी। और तीसरी बात जो प्रभु ने उस समय ग्रहण की थी अर्थात भगवान ने स्वीकार किया था, तीनों बातें पूरी हो जाती हैं। और तब श्रेयांश कुमार वहाँ प्रभु को इक्षुरस गन्ने का रस भगवान को बहराता है और प्रभु उस भावना के साथ दिए हुए रस को अपनी अंजलि में ग्रहण करते हैं और फिर इसे स्वीकार करते हैं। आकाश गड़गड़ा उठा था इतना लंबा तप और आज वह संपन्न हो रहा था और देवों ने जयकार की थी और देवों ने जयकार करते हुए कहा था, भगवान ऋषभ देव के, भगवान ऋषभ देव के, भगवान ऋषभ देव के। और यूं प्रभु का पारणा संपन्न हुआ, जगत में चारों ओर आनंद और मंगल छा जाता है। धन्य हो प्रभु को, धन्य हो उस दान देने वाली को और धन्य उस नगर को, धन्य हो आप सबको भी जिन्होंने प्रभु की कथा को श्रवण किया है। प्रभु को वंदन नमन करते ही मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ।